नमस्कार। नमस्ते हीरो जी, नमस्ते। बोलिए। अपराधियों को तो हीरो बना ही जा रहा है। और मैं एक बहुत यानी खेद से बात कर रहा हूँ कि आपके जैसे चैनल छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी चैनलों द्वारा इनको हीरो बनाया जा रहा है। आपको पता है कल जब ये जेल के बाहर आई तो कल करीब 6-6.5 घंटे तक देश का प्रमुख मीडिया इसके गाड़ी के पीछे भाग रहा था और 65 किलोमीटर इसके पीछे भागकर इन्होंने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की। किसी देशद्रोही को पकड़ने के लिए क्या देश का मीडिया उसको पकड़ने के लिए भागेगा उसके पीछे? नहीं, शायद ये टाइम नहीं है। मारिया जैसे हीरोइन को हीरोइन बनाना है, इसलिए राम गोपाल वर्मा द्वारा प्रायोजित ये पूरा ड्रामा है। तो वही यानी अभी क्या है, लोगों के पास जो भी प्रोजेक्शन होता है वो आपके मीडिया के तरफ से होता है। यानी प्रिंट मीडिया तो उतना नहीं कर रही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो ये ऑडियो विजुअल जो मीडिया है ये सब यानी इनकी वजह से क्या हुआ है, जिन लोगों के सर पे बाल नहीं है ना उनको भी कंघी लेने को कह रहे हैं लोग। बिल्कुल सही कहा आपने। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ, मैं चंदौसी से बोल रहा हूँ, सुनील कुमार। बोलिए सुनील जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो बिल्कुल इस समय के हालात में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है कि हमारी अब हीरोइन बनाया जा रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे पहले हेलो, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है, अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। हाँ सर, मैं ये देश का कानून ही आम रहे सर। हाँ तो पहले भी संजय दत्त तो बड़ा को गुनाह करके छूट गए। बिल्कुल, बल्कि अभी तक नहीं, संजय दत्त अभी तक निर्दोष। आप राम गोपाल वर्मा से ही पूछना चाहिए। हाँ। क्योंकि आपने लड़के के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो उनके लड़के के साथ, लेकिन अगर ऐसा हो तो क्या वो उनके बेटे के हत्यारिन लड़की को हीरोइन बनाने के लिए तैयार होते? आज का सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा है, मैं आभारी हूँ आपका ये इस तरीके का सवाल सीधा राम गोपाल वर्मा से पूछने के लिए। धन्यवाद कॉल करने के लिए, बड़ी अच्छी बात कॉलर ने कही है। अगले कॉलर की भी बात सुनते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर जी, आपको एक प्रोग्राम चल रहा है चैनल पे। तो हेलो, बोलते रहिए आप, टाइम खराब मत करिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए आप, हेलो हेलो करते रहेंगे या कुछ बात भी कहेंगे? अशोक शर्मा बोल रहा हूँ दर्शन चैनल से। हाँ बोलिए अशोक जी। चैनल से बोल रहे हैं आप? हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ जो ये सब काम ये हो रहा है ये अपना मीडिया इसमें मीडिया का अहम रोल है। बिल्कुल। इसके अंदर मीडिया ऐसे लोगों को अगर दिखाए ही नहीं तो ये सब ये जो बखेड़ा होता है ये हो ही नहीं। बिल्कुल। हाँ जी, ये जो ये सब दिखा रहे हैं आप मीडिया की देन है। बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। मीडिया की देन है और मीडिया की देन ही दिशा भटक गई है, इसलिए देश का युवा अब अगर हीरो बनना है तो एक्टिंग की मेहनत नहीं करेगा, अब वो अभिनय के क्षेत्र में जी जान लगाकर अपने किसी भूमिका को अपने अंदर उतारने का प्रयास नहीं करेगा। बस एक शैतान को अंदर उतार लो, कोई दुष्कर्म करो, राम गोपाल वर्मा और तथाकथित ऐसे महेश भट्ट जैसे लोग आपके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर और फूल माला लेकर बॉलीवुड के एंट्री के लिए तैयार है। अगले कॉलर। नमस्कार। बोलिए। नमस्ते जी। हाँ देखो, मैं बात कर रहा हूँ, अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहता हूँ मैं। हाँ दीजिए ना। मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ, रियान पठान। बोलिए बोलिए। देखो वो अभी जो ये दिखाए ना यारी, वो बच्चे का जो बच्चा मर गया। हाँ। बच्चा मर गया, उसके माँ बाप का मजाक उड़ा रही है। अरे अपने देश में तरक्की करने के लिए क्या अभी मर्डर की जरूरत है क्या? बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए। नहीं नहीं, आपके देश में तरक्की करने के लिए अभी क्या इसका मर्डर की जरूरत है क्या? बोला बिल्कुल, दिख तो ऐसा ही रहा है, शायद कोई बात पूरी नहीं हो पाई। रियाद से बात कर रहे थे, एक एनआरआई अपनी बात को रख रहे थे। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ
मेरा कहना ये तो सर, ये जो सारा कार्यक्रम जो देख रहे हैं, दिल्ली से ये न्यूज आ रही है नीरज ग्रोवर के संबंध में, इसको देखते हुए ऐसा लगता है ये सारा का सारा प्रायोजित कार्यक्रम है। बिल्कुल, इसमें तो इसलिए नहीं है। और इस तरह की जो घटना है ये भी बहुत ही विषैलता बन रही है देश के लिए, देश से दुखान के लिए कि इस टाइप की घटना की जो परिपाटी चल पड़ी है। तो इसके लिए इस पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए ताकि इस पे कुछ सुधार हो सके। फिर मैं सुरेश जी से एक विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में अभी जो चल रही है विशेष तौर से लोकपाल के संबंध में है, तो उस पर भी एक कार्यक्रम रखा जाए लाइव ताकि देश के लोग जो है। बिल्कुल, आपको शायद पता नहीं होगा कि लोकपाल पर भारत में सबसे पहला प्रोग्राम सुदर्शन टीवी ने किया था। जी सर, तो उसका मेरे संबंध में ये मेरे नॉलेज में नहीं है, बाकी उसका बिल्कुल। लेकिन आने वाले दिनों में हम इसको लेकर जरूर कार्यक्रम करेंगे। अभी तो जो राम गोपाल वर्मा फिल्म इंडस्ट्री में कर रहे, भारत के राजनेता पार्लियामेंट में करने वाले हैं थोड़े दिन बाद लोकपाल के लिए, इसलिए वो एक बार सरकार का और विपक्ष का ड्रामा होने दीजिए, उसके बाद उसको भी लेंगे। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं, आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए जी। मैं सरोज चौधरी बोल रही हूँ, जिला बागपत से। बोलिए, क्या कहना है आपका? मुझे ये कहना है कि जो ये मारिया जी है और जिसके ऊपर ये ग्रोवर का मर्डर हुआ है, क्या ये जब फिल्मों में आएगी तो दर्शक इसको खुश होकर देख लेंगे, या क्या इज्जत की बात है भाई? इस तरह से दूसरे के बेटे को मरा तो गया है, मारिया के ऊपर ही तो मारा गया है। बिल्कुल, क्या मारिया इसमें अपराधी नहीं है? बिल्कुल अपराधी है। और को अपराधी को इस तरह खुली छूट देना, क्या हमारे देश में ये ज्यादा अच्छा काम हो रहा है जिनको टीवी पे फिर उनको पिक्चरों में दिखा रहे हैं? बिल्कुल, तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि मारिया को बिल्कुल नहीं किसी भी तरह का वो देना चाहिए, और मारिया को बिल्कुल जो है बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। यहाँ पर रश्मि ठाकुर मुंबई से SMS करके कह रहे हैं कि अगले न्यायालय में, जो उच्च न्यायालय में मामला जाएगा, तो जज सबसे पहले मारिया के फिल्म करियर को स्टे लगाए, तब जाके इस क्षेत्र में आने वाली लड़कियां अपनी राह को सही दिशा में पकड़ेगी। अच्छा SMS है, मुंबई से भेजा है रश्मि ठाकुर ने। कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो, बोलिए। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए ना। हाँ जी, हाँ जी, मैं KK शर्मा बोल रहा हूँ बुलंदशहर से। बोलिए, क्या कहना है आपका? हाँ, मुझे इसी के बारे में कहना, जो अपराधियों को हीरो बना रहे हैं, सुदेश जी से उसी के बारे में बात करनी है। बोलिए ना, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ सुदेश जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सुदेश जी, पहले तो मैं सुदर्शन चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप, मतलब मैं तो कहूंगा कि आप देशभक्ति का कार्य कर रहे हो, कि ये सब जो अपराधियों हैं या जो प्रकरण हमारे रामदेव बाबा जी का आपने काफी उठाया था, तो मैं तो ये कहूंगा कि जो मीडिया वाले जो अपराधियों को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगना चाहिए कि कोई भी अपराधी को टीवी पर दिखाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि टीवी पर दिखाने से जो संदेश जाता है बच्चों में वो गलत संदेश जाता है, और वो ऐसे ही अपराध के काम ही करेंगे। तो चरित्रवान लोगों को दिखाना चाहिए, अच्छे लोगों को दिखाना चाहिए, और हम कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता का उतना ही अधिकार होना चाहिए कि जो दूसरे की नाक जहां शुरू होती है वहां पर हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल। तो ये मीडिया पर भी थोड़ा सा अंकुश लगने की अब आवश्यकता दिखाई देती है। आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने लोगों की भावनाओं को जगाया है, और हम सभी आपके साथ हैं। आप अपना हौसला बुलंद रखिए, और आज आप जैसे लोग ही जो अच्छे लोगों के लिए एक दीपक का काम कर रहे हो, जो हम लोग पूरा एक हताश हो चुके हैं मैं ये देख करके कि जो अपराधी सब आगे बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचारी आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अपनी स्पिरिट को प्लीज इसको जलाए रखिए, इसको लोगों को आप रास्ता दिखाए रखिए कि आपकी, मुझे यही डर लगता है कि आप भी कभी मतलब हताश ना हो जाएं। बिल्कुल नहीं होंगे कभी, नहीं इतना, इतने कमजोर हौसले हैं, क्योंकि आज निशब्द हो गए हैं सभी लोग, ये सब भ्रष्टाचार देख के, ये सब चीजें देख के। हम लोग अच्छी पिक्चरें पहले देखते थे, बिल्कुल, हम उनसे प्रेरणा लेते थे कि हमको देशभक्ति का कार्य करना है, अच्छा कार्य करना है,
बिल्कुल धन्यवाद, अच्छी प्रतिक्रिया दी, हौसला बढ़ा इसके लिए धन्यवाद। और जो संदेह आपके मन में आया है बिल्कुल उसको दूर रखिए, यह हौसला कभी भी कम नहीं होगा जब तक देश नंबर एक नहीं बनेगा, उसके लिए ऐसी सारी बाधाओं को दूर करेंगे। अगले कॉलर से बात करते हैं, नमस्कार बोलिए। हेलो नमस्ते सर। हाँ सर, ये जो अपराधियों को इतने खुली छूट हमारे हिंदुस्तान में दी जा रही है, ये हमारे संस्कृति को एक धब्बा है सर। बिल्कुल, अब देखिए सर, कलमाड़ी जी ने इतनी घोटाला किया लेकिन उन्हें आलिशान उनको हायत वो दी जा रही है। अब इन्होंने इतना अच्छा मर्डर किया हुआ है इन्होंने, और इनको टीवी पर इस पे ला रहे हैं, ये हमारे सोच के खिलाफ है सर। और ये सोच के लिए हमें कुछ कदम उठाना है। ये सुदर्शन चैनल जैसे मैं देख रहा हूँ, और कई बार मैंने कॉल लगाया, मैं परवनी से बात कर रहा हूँ, परवनी के सेलू तालुके से बात कर रहा हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है चैनल जो इस आवाज को उठाता है, और ऐसा ही बरकरार रहने दीजिए सर। बिल्कुल धन्यवाद। धन्यवाद सर। यहाँ पर राम गोपाल वर्मा की नई ऑफर आ सकती है, सुरेश कलमाड़ी ए राजा, और ए राजा की हीरोइन हो सकती है कानी मोजी, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। ऐसी सारे ऑफर के लिए तैयार रहिए, अगर आज आप कॉल नहीं करेंगे, आज अगर आप विरोध नहीं दर्ज कराएंगे। अगले कॉलर से बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, क्या है। नमस्कार। हाँ नमस्कार, मेरा नाम प्रभा है। बोलिए प्रभा जी, कहाँ से बोल रही आप? मैं ये थाना से बोल रही हूँ, भिवंडी से। बोलिए। मुझे तो बहुत जरूरी बात करनी है। मारिया तो एक सामने चेहरा आया है, उसके अलावा और हमारे देश के बहुत सारे हीरो हीरोइन है, बड़े बड़े ये क्रिकेटर हैं, जिस तरीके से ये लोग ऐड करते हैं, झूठ बोलते हैं, जो देश के लोगों को गुमराह करता है, वो उसके संदर्भ में मुझे बात करनी है। बिल्कुल करिए आप। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हीरो हीरोइन हमारे देश के तथा कथित हीरो हीरोइन ये जो देश में भ्रम फैला रहे हैं और ऐसी ऐसी चीजों की ऐड कर रहे हैं जिनका कहीं कोई तथ्य नहीं है, क्या इन पर कुछ प्रतिबंध लग सकता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, और हम आने वाले बिंदास बोल में इस मुद्दे को एक घंटे का कार्यक्रम लेकर आएंगे कि हीरो हीरोइन के द्वारा जो विज्ञापन किए जाते हैं वो भी देश को कितना गलत दिशा में गलत संदेश देते हैं। अगर जो इसमें कुछ अगर जो समर्थन मिले और कहीं कुछ हो सकता है, तो शायद हमारे देश के बच्चे, बहुत सारे बच्चे गुमराह होने से बच सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा सुझाव है, इस पर जरूर कुछ करेंगे। प्रभा जी धन्यवाद, आपने बात की, मुंबई के बगल से इस विषय की प्रतिक्रिया आई है। अगले एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। सर मैं गाजियाबाद से प्रदीप शर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए प्रदीप जी। सर हमारे देश में क्या हो रहा है कि क्रिमिनल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, अब करियर बनाने के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है, क्रिमिनल होना चाहिए बंदा बस। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या खिलवाड़ चल रहा है, एक जवान बेटे को मार दिया उनके, और उसको 3 साल में बाहर आ गई है वो जेल से, और कितनी जोर शोर से उसको फिल्म इंडस्ट्री वाले मतलब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको मतलब उसके ऊपर जो है फिल्म बनाने को तैयार है राम गोपाल वर्मा जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद कॉल पर प्रतिक्रिया देने के लिए। हम यहाँ पर कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है। झूठी टीआरपी के लिए मानवीय संवेदनाओं की अनदेखी की जा रही है। बिग बॉस जैसे शो को खुली छूट, जिसकी वजह से ये अपनी मनमानी करते हैं। फिल्म डायरेक्टरों का केवल पैसे के लिए भागना, जिससे अब कुछ भी और किसी के ऊपर फिल्म बनने लगी है। मीडिया की भेड़चाल, मीडिया के द्वारा अपराधियों को हीरो बनाया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों द्वारा अनदेखी, इनकी अनदेखी से भी अपराधियों को समझने में समाज भूल करता है। ऐसे अपराधियों के साथ देने वालों का खुलकर सामने आना, जिससे इनके लिए हीरो बनना आसान होता है। और भी कई कारण हैं, आप उनमें इजाफा कर सकते हैं, बात को रख सकते हैं।